एवरीवन, आज हम फिर से हैं आपके साथ और आज का हमारा टॉपिक है बुखार, जिसमें दाने भी हो जाते हैं बच्चों के शरीर पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी जी और हम उनसे बात करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अपूर्वा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डियर पेरेंट्स। सो सर, जनरली हम देखते हैं कि बच्चों के शरीर पे बुखार के साथ साथ दाने भी उभर आते हैं, वो किस वजह से होता है? अपूर्वा, इसके बहुत सारे कारण हैं। जब आज से करीब 15-20 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी, तब इसको बड़ा फेमस एक सेंटेंस था कि जो पेशेंट आते तो कहते हैं मोती झरा हो गई। अब मोती झरा हम सोचते थे क्या है, वो मोती झरा का मतलब था जिस बच्चे में भी दाने निकल गए उसको खसरा हो गई या मीजल्स हो गई। कुछ लोग उसे मोती झरा कहते थे, कुछ खसरा कहते थे, बट इनफैक्ट सिर्फ मोती झरा या खसरा ही एक कारण नहीं है जिसमें बुखार के अंदर रैश आ जाता है। रैश आने का मुख्य कारण, सबसे ज़्यादा पहला कारण तो वायरल इन्फेक्शन है, जो बहुत सारे वायरस हैं जिसके अंदर खसरा एक वायरस है। खसरा की खास बात क्या है, बुखार आज होगा और चौथे दिन रैश आएगा जी। एक कॉक्सस है कि बी वायरस है, और इस रैश के टाइप पे, इस रैश के आधार पे डॉक्टर ये जज करता है कि इस मरीज को एंटीबायोटिक दी जाए या ना दी जाए, कोई टेस्ट कराया जाए या ना कराया जाए, इसके आधार पर हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। तो इसको ब्लाइंडली खसरा या मोती झरा मानना उचित नहीं है। सबसे पहले तो मैं दवाइयों से होने वाले रैश बता दूं। एमोक्सिसिलिन एक बहुत कॉमन दवाई है जिससे रैश हो जाता है। अगर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक दे रहे हैं बच्चे को तो भी रैश हो सकता है, और कुछ रैश वाले बुखार ऐसे हैं जिसमें एमोक्सिसिलिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो ये डॉक्टर की विवेक पे डिपेंड करता है कहाँ वो कौन सी दवाई यूज़ करते हैं। दूसरा एक मेफनेमिक एसिड है जिसे देने से अक्सर बच्चों में रैश आ जाता है, और ये सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दवाई से रैश निकला है या ये बीमारी का रैश है। तो इसलिए हम बार बार कहते भी रहते हैं कि बुखार में घबराओ मत, बुखार आपका दोस्त है, सिर्फ पैरासीटामोल दो, ज़्यादा दवाइयाँ मत दो, एनर्जी ड्रिंक पिलाओ, स्पंजिंग करो, जिससे कि क्लिनिकल पिक्चर कॉम्प्लिकेट नहीं होती। मैंने हर बार अपनी टॉक में कहा है कि जो ट्रीटमेंट एक प्लानिंग है, तो जो एक अनुभवी डॉक्टर है वो ये देख के चलता है कि अननेसेसरी दवाई ना दूँ, क्योंकि ये दवाई ज़्यादा देना इसकी पिक्चर को कॉम्प्लिकेट कर देगा और 3 दिन बाद जब बुखार नहीं उतरेगा तो ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। सर, रैश भी हम देखते हैं 2 प्रकार के होते हैं, किसी में खुजली होती है और किसी में जलन होती है, तो उस चीज़ के लिए हम जनरली जो वायरल इन्फेक्शन वाले रैश हैं उनमें ना तो खुजली होती है ना उसमें जलन होती है। खुजली वाले रैश जनरली जैसे डेंगू के अंदर, जब डेंगू ठीक हो रहा होता है, जो रैश आता है उसके अंदर बहुत खुजली हो जाती है, तो वो खुजली वाला रैश होता है। इवन जॉन्डिस के अंदर अगर रैश आता है तो वो भी खुजली वाला हो सकता है, या जॉन्डिस के अंदर अदरवाइज खुजली हो जाती है। बट जैसे खसरा का जो रैश है उसमें जनरली खुजली नहीं होती, खुश्की हो रहा है तो खुजली होने लगती है। एक गले के अंदर लाल लाल स्पॉट्स बन जाते हैं, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और उसके अंदर पूरी बॉडी पे सैंड पेपर लाइक खुरदुरी स्किन हो जाती है और सैंड पेपर लाइक अपीयरेंस हो जाती है। एक उससे ही मिलता जुलता एक बैक्टीरिया है कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम हीमोलिटिकम। उसके अंदर क्या होता है कि पूरी बॉडी पे और मुंह के अंदर लाल लाल स्पॉट्स हो जाते हैं, बट हथेली और मुंह बच्चे का बचा रहता है, बाकी जगह रैश होता है। तो इन 2 बीमारियों के अंदर एमोक्सिसिलिन देना चाहते हैं। एक इन्फेक्शन होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, उसके अंदर दाना हो जाता है, और दाना होने के बाद वो रैश का बाद में पूरी बॉडी के अंदर एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसे तमाम रैश हैं, और मुझे लगता है टाइम काफ़ी हो चला है, अब बाकी के रैश हम कल डिस्कस नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।